हेलो गाइस, मैं हूं शेखर। और एक बात बोलूं तो यार, फिल्म्स आर माय ऑक्सीजन। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रो करने में मदद करो, ठीक है? तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं 3 in 1, यानी कि तीन फिल्मों का रिव्यू एक ही वीडियो में। तीनों फिल्म है एक ही फिल्म सीरीज की। फिल्म का नाम है क्लोवरफील्ड फिल्म सीरीज, ठीक है? तो सबसे पहले रिव्यू करेंगे क्लोवरफील्ड का, फिर उसके बाद करेंगे 10 क्लोवरफील्ड लेन का, उसके बाद करेंगे द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स का। तो सबसे पहले 2008 में आई क्लोवरफील्ड की बात कर लेते हैं। इस फिल्म को आप देख सकते हो अमेजोन प्राइम और जियो सिनेमा में, ठीक है? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मैट रीव्स ने। तो यार, इस फिल्म का जो स्टाइल है वो है फाउंड फुटेज फिल्म स्टाइल, जिसमें जो है एक कैरेक्टर के हाथ में कैमरा दे दिया जाता है और पूरी फिल्म हम उसके नजरिए से देखते हैं, ठीक है? और जो मतलब वो कैमरा जहां जहां घुमाएगा हम वहीं वहीं देखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये काफी शेकी सा फील होता है। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान कैमरा लेके इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर देख रहा है, कैमरा भी उधर उधर ही देख रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ी शेकीनेस तो होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यार, ये फिल्म ना कुछ लोगों को डेफिनेटली ऑफ लग सकती है। क्यों? क्योंकि यार उन लोग को थोड़ा हेडेक हो सकता है, थोड़ी इरिटेशन हो सकती है इस फिल्म स्टाइल से। पर मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि यार जिस तरीके से इसमें मोमेंट्स को कैप्चर किया गया है वो काफी रियलिस्टिक लगते हैं और मुझे काफी मजा आया। और जो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है ना, वो एकदम टॉप नॉच है, ठीक है? मतलब जिस तरीके से कैमरा को हैंडल किया है ना, वो बहुत अच्छा है यार। जहां जहां एक्शन हो रहा है ना, कैमरा उधर उधर ही घूम रहा है। और बेसिकली अगर जब ये फिल्म आप देखते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वहीं पे बैठे हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जो एक फिल्म बैठ के देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी सिचुएशन में वहीं पे मौजूद हो। मतलब अब भी आपके ऊपर ये गिरने वाला है, वो गिरने वाले, आप ऐसे सर छुपा रहे हो, ऐसे ये छुपा रहे हो, मतलब डिट्टो वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है? तो मुझे ये फॉर्मेट काफी अच्छा लगा। इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने जो भी चॉइसेस लिए ना, मतलब हर कैरेक्टर जो भी कर रहा है वो ऐसा काफी रियलिस्टिक सा लगता है। क्योंकि अगर उस सिचुएशन में कोई भी ह्यूमन होता ना, तो यार ह्यूमन के जो इमोशंस होते हैं ना, वो ऐसे ही निकल के सामने आते हैं और वो ऐसे ही दिखते हैं। तो इस फिल्म में जो भी कैरेक्टर की चॉइसेस है ना, वो एकदम डिट्टो सही है भाई। मतलब ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में। अगर ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ हो, तो यार बंदे इसी तरीके की चॉइसेस लेंगे जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स लेते हैं, ठीक है? इस फिल्म के स्टोरी की बात करें तो यार, रॉबर्ट जो है इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, ठीक है? उसको फेयरवेल पार्टी दी जा रही है, उसका प्रमोशन हो गया, उसको अब जो है शिफ्ट होना है जापान, ठीक है? तो उसको लास्ट फेयरवेल पार्टी मिल रही है। अब कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो पार्टी हो जाती है बंद और बहुत ही बड़ा कुछ कांड हो जाता है, ठीक है? अब वो कांड क्या है वो तो आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। पर वो जो होता है ना भाई, वो इतना अमेजिंग होता है ना, मतलब सीरियसली आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको नहीं पता है ना कि क्लोवरफील्ड क्या है या ये फिल्म किस बारे में, तो नेट पे सर्च मत करना, सीधे ये फिल्म देखो। तो और तब क्या होगा ना, आपका जो सस्पेंस है ना इस फिल्म को देखने का, वो और भी ज्यादा बनेगा, और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? और इस फिल्म में जो डिस्ट्रक्शन लार्ज स्केल में दिख रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है? उस समय पे आई हुई, 2008 में आई हुई फिल्म के हिसाब से ना बहुत ज्यादा अच्छी है। और मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने घर पे ना जो भी सबसे बिग स्क्रीन है ना आपकी, उसमें देखना, ठीक है? अब देखो यार, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कमी नहीं है, कमी भी है। मैंने अच्छाइयां तो बहुत बता दी, चलो कुछ कमियों के बारे में भी बता देते। तो यार ये है कि पहले जो 25 मिनट है वो आपको बोरिंग डेफिनेटली लग सकते हैं। और उस दौरान ना जो रॉबर्ट है ना, जो मेन कैरेक्टर है, और उसके और बेथ के बीच का जो रिलेशनशिप दिखाया है, जो फुटेज वो दिखाई है ना, वो काफी चौपी सी लगती है। और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप ना काफी फोर्स्ड लगता है, मतलब यार उसके साथ कनेक्शन नहीं बैठता है। जो बात सच है वो सच है। और एक और चीज जो इस फिल्म में मुझे इशू लगा ना, वो ये था कि जब आपके पास कुछ ऐसा है दिखाने के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज है जो एक ही झटके में सब कुछ तबाह कर सकती है, तो फिर उन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है ना। कि मतलब यार इस फिल्म में कुछ ऐसा था कि एक ही चीज, मतलब एक ही बार में धड़पड़ सब खत्म कर दे, तो फिर यार वो छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है ना, कि मतलब छोटी छोटी बाइटिंग्स करने के लिए। तो वो चीज मुझे लगी कि जब बड़ा दिखा दिया था तो छोटे चीजें जरूरी नहीं थी, ठीक है? वो मेरे को फील हुआ। और इसमें जो हटका कैरेक्टर है वो यार बहुत ज्यादा अनोइंग है कुछ जगहों पे। मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो कैरेक्टर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था ना, कि भाई ये क्या कर रहा है, ये पूरी फिल्म यही इसी के नजरिए से देखनी है मैंने, मेरा बुरा हाल होने वाला है। पर हाँ, थोड़े टाइम के बाद आप एडजस्ट हो जाते हो और फिल्म में मजा आता है। पर फिर भी ना ये कैरेक्टर अनोइंग बहुत है।
तो इस फिल्म में ना बस यही कमी है, पर यार फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है, ठीक है। और यार ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये फिल्म सीरीज ओवरऑल बहुत अच्छी है। आप ऐसा मत करना कि पहली फिल्म देख के बस छोड़ दिया, नहीं। वैसे भी जब आप पहली फिल्म खत्म करोगे ना तो आपको दूसरी फिल्म देखने की इच्छा होगी, और पहली फिल्म से ज्यादा अच्छी है दूसरी फिल्म, ठीक है, जो कि है 10 क्लोवरफील्ड लेन, ठीक है। ये फिल्म आई थी 2016 में, इसे आप जियो सिनेमा पे देख सकते हो एकदम फ्री। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डैन ट्रेचबर्ग ने, तो यार उनकी ये पहली फिल्म थी और उस हिसाब से जो उन्होंने इनसेन डायरेक्शन दिया ना इस फिल्म को, दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज अमेजिंग। यार एक बात तो है कि जब आप ये फिल्म देखते हो ना आपको काफी ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा, और इसमें जो टेंशन जो सस्पेंस दिखाया है वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। मतलब हर एक सीन ना काफी टेंस्ड और काफी ज्यादा सस्पेंस वाला है। अच्छा, इस वाले पार्ट की ना खासियत यह है कि ये काफी रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। एक बंदा है जिसको ऐसा फील होता है कि भाई पूरी दुनिया हो चुकी है खत्म, ठीक है, और अगर वो जो है अपने बंकर से बाहर निकलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है, एक लड़की को उसने चेन से बांध के रखा है और एक लड़के को भी रखा है, ठीक है, काइंड ऑफ उन लोग को किडनैप करके रखा है, ठीक है। तो यार ये एक किस्म से रियलिस्टिक इसलिए लगता है ना कि जो बैड शिट क्रेजी पीपल होते हैं ना, जो एकदम इनसेन है, जिसको लगता है भाई सब कुछ खत्म है, और हमें पता नहीं है एज अ व्यूअर, हमको नहीं पता कि सच में सब कुछ खत्म है या सब कुछ सही है, मतलब ये झूठ बोल रहा है या सिर्फ इसको ऐसा लगता है, क्या है इस बंदे के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो इस वजह से ना ये प्लॉट काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है और हमारे दिमाग में चलता है कि भाई ये लड़की के साथ क्या क्या करेगा या इस बंदे के साथ ये क्या क्या करेगा, तो वो काफी मेस्ड अप सा जो हमारा सोच हो जाता है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है इस फिल्म के लिए, ठीक है। और यार इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इस फिल्म के एक्टर जो कि है जॉन गुडमैन, ठीक है, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ना वो सच में मास्टरपीस है, मतलब अमेजिंग ब्रिलियंट, ठीक है। उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इतनी अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि जब भी हम उन्हें स्क्रीन पे देखते हैं ना तो हमें ये नहीं पता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें पता लगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर हम वो पूरी फिल्म में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये बंदा क्या सोच रहा है, और इस वजह से ना उनका कैरेक्टर और उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है, ठीक है। एक ही पल में, मतलब अब भी तो वो एकदम इनसेन एकदम पागल है, ठीक है, और अगले ही पल में एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। हम कहते हैं अभी यार ये चल क्या रहा है, मतलब हु इज दिस गाय। और ये फिल्म ना लिटरली हमारे दिमाग के साथ खेलती है, ठीक है, हमारे दिल के साथ, हमारे दिमाग के साथ खेलती है, और इसकी वजह से जो हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो हीरोइन है इस फिल्म की, जो हीरो है इस फिल्म की, वो है मैरी एलिजाबेथ। शी इज कॉन्स्टेंटली ऑन एज, ठीक है, और उनका कैरेक्टर ना भाई बहुत स्मार्ट है और वो बिल्कुल भी कोई इडियोटिक हरकत नहीं करता, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो इस तरीके की फिल्में होती है, मतलब जो काइंड ऑफ ये हॉरर थ्रिलर्स या जो इस तरीके की मूवीज होती है ना, उसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, डम कैरेक्टर होते हैं। हम बोल रहे होते ना भाई इस दरवाजे को मत खोलना, तो वही खोल देगा, हम बोलेंगे ये मत उठाना तो वही उठा देगा। पर इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है जो कि मैरी एलिजाबेथ है, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है ना वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ठीक है। वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब जो हम चाह रहे हैं ना कि वो करे, वो कैरेक्टर ना वही करता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा है, और कई जगहों पे तो वो हमसे भी ज्यादा तेज है, मतलब हमसे भी ज्यादा सुपर फास्ट है, मतलब उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो क्या होता है, इस वजह से ना हम उनके कैरेक्टर को ना रूट करते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ जो भी वो कर रही है ना वो सही हो, मतलब वो बचे, उसको कुछ हो ना, तो ये वाली फीलिंग आती है। अब क्या है ना, इस फिल्म में छोटे छोटे फिल्म में ना क्लूज दी गए, ठीक है, और जब हम उन क्लूज को देखते हैं ना, साथ ही साथ हमारी मेन कैरेक्टर भी उस क्लूज को देख लेती है। जैसे कि यार एक शेल्फ पे बुक्स रखी है, ठीक है, हमने उसे देखा ना और वैसे उस कैरेक्टर ने भी उसको देख लिया, तो क्या होता है कि वो हमें ना बहुत मतलब खुशी देता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम उसके साथ साथ चल रहे हैं और वो भी वही कर रही है जो हम चाह रहे हैं, मतलब जो हम देख रहे हैं ना फटाक से वो भी वही देख रही है, तो वो बहुत मजा आता है देखने में, ठीक है। और ये पूरी फिल्म ना इन्हीं दो कैरेक्टर्स की है, मतलब जॉन गुडमैन और मैरी एलिजाबेथ की है, ठीक है, इन दोनों की ही ये फिल्म है। हालांकि इसमें तीसरा कैरेक्टर भी है जो कि एमेट का कैरेक्टर है, जिसे प्ले किया है जॉन ग्लेगर जूनियर ने, और मैं बोलूंगा यार उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, और उन्हें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस दी भी नहीं गई है। एक टाइम पे एक सीन में उनकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बताने की कोशिश करी, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि यार देखो एज अ व्यूअर हमको भी पता है कि जब ये फिल्म शुरू हुई है ना, तो जब हम इस कैरेक्टर को देखते हैं हमें पता लग जाता है कि इस फिल्म के एंड तक इस कैरेक्टर का होने क्या वाला है, ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मतलब ये सच बात है। जब आप ये फिल्म देखोगे आपको पता है कि इस कैरेक्टर के साथ क्या होगा इन द एंड, इस वजह से ना उस पर ज्यादा फोकस किया भी नहीं गया है। और सबसे कमाल की बात इस फिल्म की ये है ना कि यार इसके जो डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने इतनी छोटी सी जगह में मतलब इतना इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट कर दिया ना
कि यार एक एक तो वो नए डायरेक्टर है, उसके बावजूद उन्होंने इतना बढ़िया किया, और उसके बाद यार इतनी छोटी सी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में ना अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें करते रहना ताकि व्यूअर्स जो है फिल्म में इंटरेस्टेड रहें, वो करना बहुत टफ है। क्योंकि किसी की अटेंशन गेन करना बहुत आसान है, पर उस अटेंशन को ना पूरे टाइम रखना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज ना इस फिल्म में डेफिनेटली देखने को मिलती है कि आप शुरू से लेके आखिरी तक ना अपनी सीट के एज पे बैठ रहते हो और आपकी जो आंखें हैं ना वो आपकी स्क्रीन के साथ चिपकी हुई रहेंगी, ठीक है। इतनी इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में ना, हर पल कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है, जिसकी वजह से आप 24 घंटे मतलब अपनी सीट से चिपके रहते हो जब तक फिल्म खत्म नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये फिल्म अच्छी तो बहुत है, पर यार ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कमियां तो रह जाती है। तो वो कमी जो मुझे लगी ना, एक तो यार इस फिल्म का जो लास्ट के 5 मिनट, ठीक है, वहां पे सब गोबर हो गया ऐसा फील हुआ मुझे। क्योंकि जो लास्ट के 5 मिनट में जो एंड में हमें देखने को मिलता है ना, जो वो मोलोटोव वाला सीन है यार, वो एंडिंग इतनी ईजी कर दी ना, मतलब सुपर ईजी कर दी यार, इतनी ईजी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो चीज जस्टिफाइड नहीं लगती, थोड़ा सा टफ दिखाते, मतलब बहुत ही इजी दिखा दिया, मतलब सिंपल जैसे कि चुटकियों में कर दिया हो, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी ऑफ लगती है। और दूसरी चीज, क्योंकि यार ये क्लोवरफील्ड फिल्म सीरीज के दूसरा पार्ट है, एक तो कोई इंटर रिलेशन नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जैक्टली कोई रिलेशन नहीं है दोनों फिल्म के बीच में। अगर आपने फर्स्ट फिल्म नहीं भी देखी है तो भी आप सेकंड देख सकते हो, आपको कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है, और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इसका फर्स्ट पार्ट भी है। और दूसरी बात यार, इसका नाम क्लोवरफील्ड नहीं भी होता ना तो भी चलता, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता है कि क्लोवरफील्ड क्या है, है कि नहीं। तो यार इस पूरी फिल्म में हमें क्लोवरफील्ड देखने को ही नहीं मिलता, तो फिर यार इस फिल्म का नाम ही क्यों है। हाँ, एक जगह पे एक सेंटेंस में हमें एक आइडिया मिलता है क्लोवरफील्ड का, बट उससे क्या होगा कि आपके लिए फर्स्ट फिल्म और थर्ड फिल्म स्पॉइल हो जाएगी अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा, तो कोई फायदा नहीं ना। और एक चीज बोलूंगा यार, ये फिल्म सीरीज देखते हुए ना नेट पर सर्च मत करना कि क्लोवरफील्ड क्या है, वरना क्या होगा कि आपका जो सस्पेंस है, जो थ्रिल है ना इस फिल्म को देखने का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यार ये वाली फिल्म ना बहुत ज्यादा अच्छी है वैसे, पर इसको अगर हम क्लोवरफील्ड ना भी कहके इसको एक यू नो किडनैपिंग मूवी या कैप्टिवेटिंग मूवी भी कहते तो भी चलता, ठीक है, बट स्टिल ओके, इट्स स्टिल फाइन। ये कोई बहुत कोई बड़ी कमी नहीं है, बस मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो और तो इसमें कोई कमी है ही नहीं इस पूरी फिल्म में, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। और यार ये ओवरऑल ये फिल्म सीरीज भी बहुत अच्छी है। तो दूसरी फिल्म मुझे पहली फिल्म से भी ज्यादा पसंद आई। अब बात कर लेते हैं तीसरी फिल्म की। तो अब बात कर लेते हैं इस फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट की, जिसका नाम है द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। और ये वाला पार्ट ना मेरा फेवरेट पार्ट है, ठीक है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूलियस ओना ने। और ये वाली फिल्म ना मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्यों है इन तीनों फिल्मों में, क्योंकि यार देखो जो भी इस तरीके की फिल्में होती है ना, जिसमें जो है कई सारे सवाल होते हैं और आपको जवाब ढूंढने पड़ते हैं, और फिल्म जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है और उनको उनमें ना आपको कंफ्यूजन क्लियर करके देखना पड़ता है, तो वैसी फिल्में ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली फिल्म ना काफी कंफ्यूजिंग है, मतलब बहुत सारे लोगों को ये फिल्म 2-3 बार देखनी पड़ेगी ओवरऑल समझने के लिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको ना जवाब ढूंढने पड़ते हैं, इतने सारे सवाल है और उन सवालों के जवाब आपको जो है इस पूरी सीरीज में मिलते हैं, ठीक है, ये तीनों फिल्मों में मिल जाते हैं जवाब। अब ये ना इस फिल्म में जो है दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइमलाइन और डायमेंशन के बारे में बात की गई है, ठीक है, ऑल्टरनेट यूनिवर्स भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो यार जैसे कि जब आप पहला पार्ट देख रहे थे ना, तो उसमें क्या है कि लास्ट में जो कार्निवल फुटेज वाली सीन है, उसमें जो बैकग्राउंड में हमें कुछ सैटेलाइट जैसा गिरता हुआ दिखता है ना, जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई क्लोवरफील्ड जगह था, ठीक है ना। तो जो है 2018 जो पैराडॉक्स है ना, उसमें भी काइंड ऑफ हम वैसा ही कुछ देखते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों चीज सेम ही टाइम लाइन की है, सेम टाइम की है, तो दोनों के जो क्लोवरफील्ड है उनमें अंतर क्यों है। मतलब जो 2008 का जो क्लोवरफील्ड है ना, वो इन्फेंट सा लगता है, ठीक है, काफी मतलब वो तो थोड़ा मरियल सा लगता है, और वो बिल्डिंग्स के जितने हाइट का भी नहीं है, ठीक है ना, वो बिल्डिंग से भी छोटा है। पर जो 2018 वाला है, वो तो मतलब बादलों से भी ऊंचा है यार क्लोवरफील्ड, इज सो बिग। तो आप उससे आइडिया लगाओ ना, तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये दोनों जो है सेम टाइमलाइन की है या अलग अलग टाइमलाइन की है, या ये अल्टरनेट यूनिवर्स है, ये चीज क्या है, ठीक है। और जब आप ये फिल्म देखते हो तो आपको ये भी चीज आती है दिमाग में कि जिस अर्थ पे ये पैराडॉक्स शुरू होती है ना, ठीक है, ये वाली मूवी है ना, अब वो वाला जो अर्थ है ना, वो सेम अर्थ है जो 2008 वाली फिल्म थी, या जो है ये अनदर यूनिवर्स है, ऑल्टरनेट टाइमलाइन है, ऑल्टरनेट डायमेंशन है, क्या है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं,
क्योंकि अब देखो तीनों फिल्मों में जो दिखाया गया है ना, जैसे पहली फिल्म के एंड में जो हम देखते हैं और दूसरी फिल्म में जो इन्वेजन हम देखते हैं ना अर्थ के ऊपर और तीसरी वाली फिल्म में जो हम देखते हैं एंड में, तो यार इन तीनों का जो एंड है ना उसको देख के ऐसा लगता है कि ये अब यार ये सेम टाइमलाइन के तो हो नहीं सकते, ठीक है ना, या तो ये अलग अलग जो है डायमेंशन है या सेम टाइमलाइन है क्या है, या ये जो है इस डायमेंशन में जो है इस तरीके के मॉन्स्टर्स होते हैं, इस वाले डायमेंशन में ये होता है, इस वाले डायमेंशन में जो है जो क्लोवरफील्ड है उसका जो है हाइट कम है और वो इन्फेंट सा लगता है, ये वाले डायमेंशन में क्या आउटग्रोन है, ये सेम टाइमलाइन है या अलग अलग है, क्या चक्कर है, क्या माजरा है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, यही क्वेश्चंस इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और इसी की वजह से ना जब आपको ये जवाब नहीं मिलते तो हो सकता है आप ये फिल्म दोबारे देखो, ठीक है। अब क्या है ना, इस फिल्म को लेके सबके अपनी अपनी थ्योरीज हो सकती हैं, ठीक है, मतलब बहुत लोगों की बहुत सारी थ्योरीज, और उसी की वजह से ना ये फिल्म इतनी एक्साइटिंग बन पाती है, क्योंकि यार देखो आप देखोगे आपकी कुछ और थ्योरी होगी, आपके दोस्त देखेंगे उनकी कुछ और थ्योरी होगी, तो उस वजह से क्या है ना इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि जब ये फिल्म खत्म हो जाती है ना उसके बाद भी थ्योरी सुनने में मजा आता है, तो ये इस तरीके की फिल्म है, ठीक है। अब बात करें यार इसमें जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो डेफिनेटली टॉप नॉच है, इसको मैं जो है गुड स्पेस थ्रिलर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई मतलब जबरदस्त है, ठीक है। और ये है ना कि यार सबसे एक जो इसमें मुझे प्रॉब्लम लगी वो इस फिल्म की पेसिंग है, ठीक है, पेसिंग मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, तो उसकी वजह से क्या लगता है कि सब कुछ क्रैम्प्ड अप कर लिया। ये फिल्म अगर शायद 2.5 घंटे की करके थोड़ा स्लोली रखते तो ज़्यादा बेटर होता, और कुछ जगहों पर हमें ऐसा भी फील होता है कि इसमें फोर्स्ड ह्यूमर डाला गया है, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं था, मतलब वो सीन्स शायद ना भी होते तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ओवरऑल फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी, एक दो कमी होती है वो तीनों पार्ट में, ठीक है, एक दो कमियां तीनों पार्ट में आपको मिलेंगी, पर फिर भी ये फिल्म सीरीज ना देखने लायक है और बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब मस्त है, ठीक है। एक बार ना इस फिल्म सीरीज को चेकआउट ज़रूर करो, ठीक है, आपको मज़ा आएगा, मतलब आप जो है आपका दिन बन जाएगा, आप खुश होगे, ऐसा नहीं है कि यार आप बोलो यार ये क्या देख लिया मैंने, बस जो फर्स्ट फिल्म है ना उसका आधा घंटा निकाल लेना, वो बोरिंग है, उसके बाद ना ये तीनों फिल्में ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो यार मेरा यही है कि मुझे तो जो है फर्स्ट वाली भी अच्छी लगी, सेकंड भी अच्छी लगी और थर्ड भी अच्छी लगी, पर मुझे थर्ड सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बाद मुझे सेकंड वाली अच्छी लगी और उसके बाद फर्स्ट वाली अच्छी लगी, मतलब कि 3-2-1 आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।